हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को इंग्लिश विद है भरत सर यूट्यूब है चैनल में स्वागत है। आज के टॉपिक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी स्टूडेंट के लिए। जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम साफ लिख दिए हैं हाउ टू कन्वर्ट एडजेक्टिव इनटू नाउन्स। एडजेक्टिव को कैसे नाउन में कन्वर्ट किया जाता है, और खास करके यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो स्टूडेंट्स नेवी, एनडीए, एयरफोर्स या किसी भी डिफेंस लाइन का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो है। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ मेन टॉपिक है एडजेक्टिव को किस प्रकार से हम नाउन में कन्वर्ट करेंगे। आज के वीडियो में हम आपको बेसिक बात बता देंगे, यह इसका प्रथम वीडियो होगा। आने वाले समय में इसका इसी से संबंधित आगे भी वीडियो आपको हम देते रहेंगे। तो मेरे भाई, आप टॉपिक तो समझ गए हैं, जो भी एडजेक्टिव है किस प्रकार के एडजेक्टिव को हमें किस तरह से नाउन में कन्वर्ट करते हैं। तो आप देखिए, क्वेश्चन में हमने लिख दिया है एडजेक्टिव है प्लस एन ई डबल एस या एच डबल ओ डी या आई ओ एन या आई टी वाई या वाई या आर वाई या डी ओ एम या टी एच या ई एन सी ई या ए एन सी ई। जब इन सारे में से कोई भी एडजेक्टिव के अंत में ऐड होते हैं तो आप सभी का एक बनता है कंप्लीट नाउन। एक बार पुनः देख लिया जाए, जब एडजेक्टिव के अंत में आप लगाते हैं एन ई डबल एस नेस, जब आप लगाते हैं हुड, जब आप जोड़ते हैं आई ओ एन, जब आप जोड़ते हैं आई टी वाई, जब आप जोड़ते हैं वाई, जब आप जोड़ते हैं आर वाई, जब आप जोड़ते हैं डी ओ एम, जब आप जोड़ते हैं टी एच, ई एन सी ई, ए एन सी ई, तो एडजेक्टिव के अंत में इन सभी को जोड़ने से हम लोगों का नाउन प्राप्त होता है। तो इन सारी बातों को वन बाई वन एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझाने का आपको प्रयास किया है। तो चलिए समझा जाए। देखिए, यहाँ सबसे पहले एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव में आप नेस लगाते हैं तब बन जाता है नाउन। एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिया है, आप देख पा रहे होंगे बोल्ड। बोल्ड आपका एडजेक्टिव है, इसके अंत में नेस हमने जोड़ दिया तो बन गया बोल्डनेस, जो कि नाउन है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो को बाबू बहुत से बहुत ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और आने वाले इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के सामने उपलब्ध हो सके। सेकंड में आप देख पा रहे हैं एडजेक्टिव के अंत में एच डबल ओ डी हुड जब जोड़ा जाता है तो एक नाउन की प्राप्ति होती है। एग्जाम्पल के माध्यम से है चाइल्ड, और जब चाइल्ड के अंत में हम हुड लगाते हैं तो बनता है चाइल्ड हुड, जिसे आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन के माध्यम से जानते हैं। क्लियर। अब देखिए, एडजेक्टिव प्लस आई ओ एन, एडजेक्टिव के अंत में आई ओ एन जोड़ा जाता है तो हम लोगों का बनता है नाउन। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, परफेक्ट एडजेक्टिव है, इसके अंत में आई ओ एन जोड़ा गया तो परफेक्ट से बन गया परफेक्शन, यह भी एक प्रकार का नाउन ही है। इसके बाद आपके पास है एडजेक्टिव प्लस आई टी वाई, जब एडजेक्टिव के अंत में आई टी वाई जोड़ा जाता है तो हम लोगों का बनता है एक नाउन। एग्जाम्पल मेरे भाई है एबल, एबल एडजेक्टिव है, इसके अंत में आई टी वाई जब ऐड किया जाएगा तो इसी एबल से बन जाता है एबिलिटी, और यह एबिलिटी आप लोगों का नाउन है। इस प्रकार के एग्जाम्पल से संबंधित आगे बहुत से आपको वीडियो मिलेगा, आप बेफिक्र हैं। ये बस थोड़ा सा एक झलक है,
इससे संबंधित बहुत से एग्जाम्पल आपको हम देंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे बाबू है एडजेक्टिव है प्लस वाई इज इक्वल टू नाउन, यानी एडजेक्टिव के अंत में वाई जोड़ दिया जाए तो बन जाता है नाउन। एग्जाम्पल देखिए, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इसके अंत में जब वाई हम लगाने का प्रयास करते हैं तो ब्यूटीफुल कन्वर्ट कर जाता है ब्यूटी में, सुंदरता जो कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के श्रेणी में चला जाता है, तो ब्यूटी आपका नाउन हो गया। अगला बाबू आपके पास है एडजेक्टिव है प्लस आर वाई, एडजेक्टिव के अंत में आर वाई जब हम ऐड कर देते हैं तो हम लोगों का बन जाएगा नाउन। एग्जाम्पल कहता है ब्रेव है, ब्रेव है दैट मीन्स बहादुर एडजेक्टिव है, इसके अंत में आर वाई हमने ऐड किया बन गया ब्रेवरी, बन गया ब्रेवरी, तो ब्रेवरी आप सभी का बहादुरी जो कि नाउन बन गया। इसका अगला आपके पास है एडजेक्टिव है प्लस डी ओ एम, जब एडजेक्टिव के अंत में डम हम लगाते हैं तो हम लोगों का बनता है नाउन। एग्जाम्पल आपके सामने है वाइज प्लस डम इज इक्वल टू विज डम, वाइज प्लस डम इज इक्वल टू विज डम, तो विज डम आपका बुद्धि मानी की बात हो गया। अब देखिए इसके बाद है आपके पास, और इस वीडियो को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, चलिए बहुत ही कम अवशेष बचे हुए हैं। देखिए एडजेक्टिव है प्लस टीएच, जब एडजेक्टिव के अंत में टीएच जुड़ा जाता है तो हम लोगों को एक नाउन की प्राप्ति होती है। एग्जाम्पल है लॉन्ग प्लस टीएच, लॉन्ग प्लस टीएच तो बन गया लेंथ, लॉन्ग एडजेक्टिव है, इसमें इसके अंत में टीएच जब ऐड किया बन गया, टीएच जब ऐड किए तो एक लेंथ है आपका लंबाई नाउन होता है, क्लियर है। चलिए इसके आगे आप देखिए, जब इस एडजेक्टिव के अंत में ई एन सी ई, जब एडजेक्टिव के अंत में ई एन सी ई हमने ऐड किया तो बन गया नाउन। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं ओबीडियंट, ओबेडियंट प्लस ई एन सी तो बन गया ओबीडियंस, तो ओबीडियंस आपका नाउन है जो एडजेक्टिव के, जो एडजेक्टिव के अंत में ई एन सी ई जुड़ने से ओबीडियंस बन गया। और अंतिम इसका आपका है एडजेक्टिव है प्लस ए एन सी ई तो बन जाता है नाउन, यानी एडजेक्टिव के अंत में ए एन सी ई ऐड किया जाए तो एक नाउन का निर्माण होता है। आप एग्जांपल से समझ सकते हैं एबंडेंट, एबंडेंट प्लस ए एन सी ई तो हो गया एबंडेंस, एबंडेंस। तो इस प्रकार से आप भली भांति समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव को हम नाउन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। जब एडजेक्टिव के अंत में आप एन ई डबल एस जोड़ोगे या एच डबल ओ डी जोड़ोगे या आई ओ एन जोड़ोगे या आई टी वाई जोड़ोगे या वाई जोड़ोगे या आर वाई या डी ओ एम या टी एच या ई एन सी ई या ए एन सी ई, इसमें से कोई भी एक एडजेक्टिव के अंत में जुड़ेंगे तो हम लोगों को नाउन की प्राप्ति होगी। तो यह है इस टॉपिक से संबंधित प्रथम वीडियो था, इसी के एग्जाम्पल लेकर बहुत सारा एग्जाम्पल आपके सामने मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य हमें सुझाव दें तथा इस वीडियो को शेयर करें, जो भी नए कैंडिडेट हैं वो सब्सक्राइब करें, और ये शेयर करने से होगा क्या कि जो बालक नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भी पढ़ने के लिए इच्छुक होंगे तो आप उनको भी सहायता करें और वीडियो उनको देखने के लिए कहें ताकि ये अच्छे अच्छे मटेरियल हम आप लोगों के लिए
प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही हेल्प साबित होगा, यानी हेल्पदायक होगा। थैंक यू बाबू।